हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे 10, तो आज ब्लॉग लेट चालू हो रहा है क्योंकि इसलिए कि आज चालू करना था पानी कैनल पर से हमारे खेत में, तो उसमें टाइम लग गया ज़रा, तो इसलिए हम अपने काम पर जा सकते। तो आज का ब्लॉग ऐसे ही कुछ स्मॉल ट्रिप्स का होगा जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। इतना कुछ प्रॉपर तो आज होगा नहीं काम का, तो सिर्फ राइडिंग का ही चलेगा। देखते आगे जाके क्या कुछ हम करेंगे क्या नहीं, तो जो भी मैं करूँगा वो आपको दिखाऊंगा, जो वीडियो में आपको दिखाता रहूँगा। चलिए, तो यहाँ पर एक पोर्टिंग था, वो पोर्टिंग हम बाद में करेंगे, अभी तो जाते हैं अपने छोटी सी राइड पर जो आ रहे हैं हम बिद्रू पर, तो वहाँ से डायरेक्ट घर। कल गाइस मेरा और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का जरा सीन हो गया था, तो उसमें मेरा उसका झगड़ा हो गया, इसलिए मैं कल ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, इसलिए अब जाते हैं ऐसे। तो वह गाइस अपने जर्नी स्टार्ट हुए यहाँ पर से हमारे गांव में से ही, चले तब तक अभी व्यूज एंजॉय की थी जो मैं कुछ लेता रहूँगा। तो अपने आरडी की मशीन लेके आते हैं जो हमारे काम में फिंगरप्रिंट लगाने के लिए काम आती है, तो लेके आते हैं जो मेरी इस गाड़ी तो निकालते हैं यहाँ पर। तो ले लिए हमने हमारे घर से, यहाँ से चलते उनके पास। तो चेक करते हैं अपनी मशीन लगती है कि नहीं लगती, फिर से उसी पॉइंट पर जो फराटवाड़ी कल आए थे हम उसी लोकेशन पर फिर से आए। तो हमारे प्यारे लोकेशन पर ये झाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आती है, तो ये व्यू आप देख सकते हैं फिर से। तो हमने लिए है 2 वड़ा पाव जो मेरी बहन को चाहिए थे, तो उसके लिए लेकर जाते हैं। तो यहाँ से सीधा चलते हैं अपने घर वड़ा पाव लेकर, 2 वड़ा पाव मेरे खाने में। तुम आ गए ना बैक साइड,
तो हेलो गाइस, शाम के बज रहे 4:30 और हम जा रहे हैं अपने आरडी को नया आरडी लेने, जो कि हमारा पुराना आरडी का आरडी है उसका कुछ प्लग इन इशू आ रहा है। तो स्टूपिड रहे, उन्होंने कहा है कि जा एक दुकान है कस्बा में, वहाँ पर जाके नया आरडी ले ले। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से नया आरडी लेकर आते। तो प्लगिंग का इशू होने की वजह से हमें वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो नया आरडी लेते हैं और लेके आते हैं और पोर्ट अपना चालू करते हैं शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक। चले आगे आते हैं। तो आरडी लेने से पहले हम जाते हैं अपने खेत में। तो खेत में पानी चल रहा है, जहाँ पर मेरे आई पानी दे रहे हैं, तो वहाँ पहले जाकर आते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ हमारा खेत, तो आप सामने का हमारे खेत की तरफ का दूसरा रास्ता है, जो काफी खराब रास्ता है। तो यहाँ से लगभग 700 मीटर हमारा खेत है जो हमने दूसरों का किया है। तो उसमें जो भी हम करते हैं उसमें से आधा आधा खेत के मालिक का होता है और आधा हमारा होता है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा खेत। तो यहाँ से लेके लेफ्ट, गाड़ी करते अपने पार्क। तो लगभग लगभग 2 एकड़ के, 2 एकड़ नहीं 1.5 एकड़ के आसपास एक पूरा खेत है, जिसमें लगाया हमने मेरे माँ और पिताजी ने गन्ना। मैं तो कुछ खेती का काम नहीं देखता, वही सब देखते हैं। ये हमारे गाय और भैंस के लिए मक्का बोलते हैं इसको मराठी में। तो वहाँ पर पानी देना चल रहा है, ये सब हो चुका है। तो आज का पूरा पानी मेरे आई ने सब खेत में दिया है, तो ये सब मेरे आई की मेहनत की खेती है, जो सुबह से खेत में पानी दे रहे हैं। तो सब 2 एकड़ सुबह से पानी पिला रहे खेत को जो आंग। तो मैं आपको बता दूंगा, हमारे खेत में गन्ना है, गन्ना प्लस जो कौन से मूंगफली दोनों लगाए आगे वाले प्लॉट में, गन्ना और मक्का जो कि जानवरों के लिए होता है खाने के लिए, और ऐसे ही लगाया हुआ जिसे एलिफेंट ग्रास कहते हैं, उसे मराठी में हत्ती का वर ये भी कहते हैं। ये सब मैंने पूरा लगाया था जब मैं 12वीं कक्षा में था, अभी वो आए नहीं है पूरी तरह से। तो आए हैं हम अपने दूसरे प्लॉट में, यहाँ पर है 20 घंटा, जैसे मराठी में घंटा कहते हैं, हिंदी में तो अपने को पता नहीं। खेत में से सीधा हम जा रहे हैं, खेत में दिन भर काम कर रहे थे। तो आपने तो मुझे तो कुछ आता नहीं खेत का, तो सब वही देखते हैं, बस तो देखने गए थे इतना काम चाल रहे।
अपना आरडी लेने, यहाँ से लेकर अपना आरडी जो कि आगे आगे है दुकान में जाते हैं और अपना आरडी तो अपना आरडी चेंज करते हैं यहाँ से। यहाँ से ये दुकान है। राजित कर रहा था फोन आलता तो ये आरडी देख के इनसे लेते सिक्किजन का आरडी, इन दादा से लेते। तो ये हमारा नया आरडी सिक्किजन, तो ये प्रॉपर वर्क करता है अपने मोबाइल पर। तो ये लेते फिर से जाते यहाँ से, इसमें रखते हैं यहाँ पर। तो अभी कैसा पोर्ट एकदम मक्खन चलेगा, वो सिक्किजन ज़रा प्रॉब्लम दे रहा था। तो यहाँ से जाते हैं अपना सीधे घर, शाम की कुछ तैयारी है वो घर के जाते हैं अपने, सब देखते हैं क्या क्या चल रहा है। तो जो अपने हमने रिप्लेस की हुई जो सिक्किजन थी, आरडी मशीन थी, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो कल से सुबह 7 बजे से अपना काम चालू हो जाएगा। तो ये अपडेट आपको देना था। वो पुराने वाले थे जो हम बदल के ये नई वाली लेके आए हैं।